भाजपा नहीं चाहती बिहार में शोषित वंचित समाज का प्रतिनिधि, डॉक्टर गौरव राजद का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम। राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा कि बिहार का चहुंमुखी विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार एवं नौकरी की गारंटी तभी संभव है जब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व की गारंटी होगी। राजद नेता ने स्थानीय पोलो मैदान लहरसराय में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव युवा है और उनमें काम करने की अपार क्षमता भी है। वे न कभी थकते हैं और न ही कभी रुकते हैं। अपनी कम उम्र में ही उन्होंने वह सब काम करके दिखाया जिसके लिए बड़े बड़े नेताओं का जीवन बीत जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोग हर दिन नए नए साजिश रचकर राजनेताओं को फंसा रहे। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि बिहार में दबे कुचले शोषित वंचित समाज के हित में सरकार काम करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि बिहार में जेपी कर्पूरी और लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग आगे बढ़े। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मंशा है समाज को बांटो और शासन करो। भाजपा हमेशा से हिंदू को मुस्लिम समाज से और अगरों को पिछड़ों से लड़ाकर वोट लेना चाहती है। केंद्र सरकार का भी एक गरीब दलित अल्पसंख्यक हितेशी योजना नहीं है जिसका लाभ शोषित वंचित समाज को सही तरीके से मिले। भाजपा भगवान के नाम पर भी लोगों को बांटना चाहती है। डॉक्टर गौरव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार ने पहली बार जातिगत सर्वे कराकर वंचित वर्गों को उनका अधिकार देना शुरू किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदय शंकर यादव ने की। इस मौके पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हनुमान ठाकुर, जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार निषाद, मिथिलेश सहनी, दशरथ यादव, राजाराम लालदेव, गोपाल लालदेव, सुजीत गौरव, इंजीनियर रंजीत कुमार देव, राजेश लालदेव, रोहित मुखिया, देवराज महतो, श्याम मंडल, वीर बाबू मंडल, हरे राम लाल देव, राम बाबू लाल देव, विनोद लाल देव, संतोष लाल देव, महेश लाल देव आदि मौजूद। गांव में चौक चौराहों पर, पेटिया में, पान के दुकान पर, किराना के दुकान पर, चाय के दुकान पर हम लोग बोलने का काम नहीं करते हैं। हम लोग सुन करके रह जाते हैं जिसके कारण ये जुमलेवार लोग आज देश में राज कर रहे हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। हमारी महागठबंधन की सरकार विकास में विश्वास रखने का काम करती है, रोजगार देने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का विकास काम करती है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन मुद्दों को लेकर के बिहार के जनमानस में जाने का काम किया था, हमारे ऋषि मिश्रा जी बोल रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर के पीछे 36 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बिहार के नौजवान, छात्र, किसान, तमाम लोगों ने हम लोगों के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों को सुनने का काम किया और बिहार के सबसे बड़े दल हमको बनाने का काम किया साथियों। इसलिए अभी लोग सुनवाई करवाई की सरकार चाहती है, रोजगार की सरकार चाहती है, स्वास्थ्य की सरकार चाहती है, जुमलेवादों को नहीं देखना चाहती। लेकिन हमारे जो किए गए कार्य है, आज सवा साल हो गए हैं महागठबंधन सरकार को लगभग, आपने देखा होगा कि हम लोग के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता के बीच जो वादा करने का काम किया था किस तरीके से वादा पूरा हो रहे हैं। लगातार बिहार में विकास का काम हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम अंतिम पंक्ति को लोगों को कैसे मजबूत होंगे उसके लिए हम काम करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं महागठबंधन सरकार ने जो निर्णय लिया जाति जनगणना का, ये साधारण निर्णय नहीं है। एक और अंतिम पंक्ति के जो लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या बीमारी है, क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, समाज के मुख्यधारा में क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, यह बीमारी को पता लगाना थी। बस हम डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाने के बाद डॉक्टर हमको देखता है, देखने के बाद जांच लिखता है और जांच में जो बीमारी सामने आती है उसी के हिसाब से उसको दवा दी जाती है, उसी के हिसाब से उसको एंटीबायोटिक दी जाती है, तब जाके रोग समाप्त होता है। यह जाति जनगणना उसी का कड़ी है। जो समाज पिछड़ा है उसको चिन्हित किया गया। आपको हम बता देना चाहते हैं 94 लाख परिवार इस बिहार में चिन्हित किए गए जिनकी वार्षिक आय
हजार से कम, और तुम तमाम परिवारों को सरकार की तरफ से, महागठबंधन सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि 2 लाख रुपए का अनुदान देने का काम करें, उसको स्वावलंबन, उसको आर्थिक मजबूती देने का काम करेगी। जब हमारा गरीब गुरुआ जब मजबूत होगा, तब जाके हमारा जो संकल्प है कि हमारा बिहार मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, तभी जाकर के यह संभव है। और जनता का एक और उद्देश्य था कि कौन लोग हैं जिनको आरक्षण के अनुसार उनको अभी भी जगह नहीं मिली, कौन लोग हुआ था जो उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित है, उसकी वेदना को जानने के लिए भी यह जनगणना अति आवश्यक था। हम लोग नेता वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा में पूरी पुरजोर तरीके से जाति जनगणना हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, मजबूती तरीके से उठाने का काम किया, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सहज स्वीकार करते हुए दिल्ली कूच करने का काम किया। बिहार के तमाम लोगों ने दिल्ली जाकर के जातीय जनगणना की बात कही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को यह गवारा नहीं हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया, तब जाके महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है, यह महागठबंधन सरकार का लक्ष्य है। साथियों, सबको बोलो, मैदान में अभिवादन करते हुए हम एक ही बात करके अपनी बात को विराम देना चाहते हैं कि आजादी के बाद 1 साल के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरी किसी सरकार ने दी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 1 साल के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, और हमारे नेता जो बोलते हैं वो काम करके दिखाते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को रखते हुए अपनी बात को बंद। बहुत बहुत बात सुने थे, की सुने थे, गारंटी श्रीमान जब तो सुने थे तब तो की सुने थे गारंटी, कौन चीज गारंटी, सत्य सत्य से ने गारंटी कथी के श्रीमान, श्रीमान बेरोजगारी की गारंटी, श्रीमान महंगाई के गारंटी, श्रीमान फूट के गारंटी, श्रीमान असुरक्षा गारंटी, लेकिन एकरा सब के छोड़ के केवल झूठे झूठ भौ रहल छे, जे रोजगार दौ रहल छथिन तकरा गारंटी के बात नहीं होइ छे, जे सब गोटे के ला के चले छथिन तकर गारंटी नहीं होइ छे। एमरो से भैया आवाज शॉर्टकट, आ एमरो से भैया शॉर्टकट, तो हलिया हम शॉर्टकट कह दलो श्रीमान सुनो, इस संवाद के कार्यक्रम छे, संवादक कार्यक्रम छे, तो एतो के एलखिन इसराइल मंसूरी साहब, श्रीमान इसराइल मंसूरी साहब, श्रीमान अपने लिए दूत बनकर हमारा नेता का, एतो छे कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन, तो एलखिन नेता के पार्टी के जे संदेश मूल मंत्र वो हमरा अहाँ के देवा के लिए तो से तैयार छे, सबका देख रहा छे, मूल मंत्र तैयार छे। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी समिति सिवधारा दरभंगा 8460004, हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530, 9939797586। सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक।